हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल RP पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सीवीगंज बरेली में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे फिनॉलों को बनाने की विधियाँ। पिछली वीडियो में हमने अल्कोहलों को बनाने की विधियाँ या प्रिपरेशन मेथड्स सीखे थे, आज हम फिनॉल्स को बनाने की विधियों के विषय में जानेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है फिनॉल बनाने की विधियाँ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो बात करते हैं सबसे पहली विधि है हेलो बेंजीन से, हेलो बेंजीन द्वारा या हेलो एरीन द्वारा। तो हम यहां पर हेलो बेंजीन बना लेते हैं। ये हेलो बेंजीन हो गया। हेलो बेंजीन का जब हम किसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किसी अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, 623 केल्विन, 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तब ये हेलो एरीन या हेलो बेंजीन इसके सोडियम लवण में परिवर्तित हो जाता है ONA। यहां से ये ONA इस क्लोरीन को विस्थापित कर देता है और H इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसे जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसको अगर हम किसी अम्ल के साथ रिएक्ट कराएं, जैसे HCl, मतलब इसका एसिडिफिकेशन कराएं, तब क्या बनेगा? यहां से ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, ये Na और ये Cl ये बाहर निकल जाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया, यहां से बचा H, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और हमको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनॉल। तो पहली विधि में हम हेलोबेंजीन के द्वारा इस तरह से फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। जब किसी हेलोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्ट कराते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड और जब इसका हम अम्लीकरण कराते हैं या किसी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें लास्ट में जो अंतिम हमारा उत्पाद है वो फिनॉल प्राप्त हो जाता है। अगली विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा क्या होता है? बेंजीन में अगर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है SO3H, ये सल्फोनिक अम्ल
का ग्रुप होता है, ये अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है तब इसका नेम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नेम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को प्राप्त कैसे करते हैं? जब बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ कराई जाती है तब हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहली अभिक्रिया में देखा था हेलोबेंजीन द्वारा, बिल्कुल इसी तरह से इस सल्फोनिक एसिड को हटाना है और इसको हमें कन्वर्ट करना है सोडियम फिनॉक्साइड में। तो क्या करें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करा देते हैं जिससे हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, और जब हम इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, अम्लीकरण कराते हैं, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो अंतिम उत्पाद हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तीसरी विधि है डाई एजोनियम लवण द्वारा या डाई एजोनियम साल्ट द्वारा। यह डाई एजोनियम साल्ट क्या होता है, जब बेंजीन, ये बेंजीन रहा, बेंजीन एन टू और कोई भी हेलाइड, ये डाई एजोनियम लवण कहलाता है। ये बनता कैसे है, जब बेंजीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कराई जाती है, सॉरी बेंजीन की नहीं, एनिलीन, यानी कि यहां पर कोई NH2 ग्रुप लगा हो बेंजीनामाइड, तो उसकी क्रिया जब हम सोडियम नाइट्राइड से कराते हैं तब हमें ये डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। तो जब हम इस लवण की, इस लवण का जल अपघटन कराते हैं किसी तनु एसिड के साथ की उपस्थिति में, क्या कराना है, इसका एसिडिफिकेशन, इसका जल अपघटन कराना है किसी भी अम्ल के साथ, अम्ल की उपस्थिति में, वो हमने यहां पर H2SO4 ले लिया है और वो भी कैसा, तनु अम्ल की उपस्थिति में, क्या करना है, इसका जल अपघटन कराना है। तो जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहां से जल अपघटन का मतलब एच ओ एच इसके साथ रिएक्ट कराना है, तो ये नाइट्रोजन अलग निकल जाता है N2, और इसका हाइड्रोजन है ये इसके हेलोजन से रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है हाइड्रोजन हैलाइड, और बचा ये OH, ये इस प्लेस पर ऐड हो जाता है, जो मेन प्रोडक्ट था हमारा फिनॉल वो इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहां पर डाई एजोनियम साल्ट, जब डाई एजोनियम साल्ट की किसी अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तब हमें मुख्य उत्पाद फिनॉल की प्राप्ति होती है। अगली विधि है क्यूमीन द्वारा, ये क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है, तो यहां पर सी एच, इधर सी एच थ्री और इधर भी सी एच थ्री, ये है आइसोप्रोपिल बेंजीन या सिंपल नेम इसका क्यूमीन, इसे हम क्यूमीन बोलते हैं। तो जब इस क्यूमीन का हम वायु द्वारा
ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है, सी और इधर सी एच थ्री, इधर भी सी एच थ्री, और यहां पर ओ ओ और ये एच, ये वाला हाइड्रोजन, और ये परऑक्साइड बन जाता है। कौन सा? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें यहां से प्राप्त होता है फिनॉल। ये इतना इसके साथ आ गया, और बचा क्या? ये CH3CO CH3। क्या मिला ये हमें? CH3CO CH3। इसका नाम होता है एसीटोन, एसीटोन। और ये मेन प्रोडक्ट हमारा है फिनॉल। तो क्यूमीन द्वारा जब क्यूमीन को हम वायु की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें मिला क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और जब इसको हमने जल अपघटित किया तो हमें मिला फिनॉल, और इसके साथ ही साथ हमें मिला एसीटोन। तो यहां पर जो एसीटोन है ये थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, बहुत मात्रा में बनता है। तो इस विधि द्वारा हम फिनॉल तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ एसीटोन भी बना सकते हैं। मतलब ये विधि एसीटोन बनाने के भी काम आती है। अगला टॉपिक है अल्कोहलों अल्कोहलों एवं फिनॉलों के गुणधर्म। कौन से वाले? अभी हम सिर्फ यहां पर भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो पहला है क्वथनांक एवं गलनांक, क्वथनांक एवं गलनांक। तो पहले बात करते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल का जो जनरली फार्मूला होता है वो R O H, ये फार्मूला होता है, और जिसमें ऑक्सीजन के पास में ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्वथनांक और गलनांक की। तो क्या होता है, ये इनके जो अल्कोहल्स हैं उनके क्वथनांक सामान्यतः अन्य अन्य यौगिकों की तुलना में थोड़े उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये संगुणित उत्पाद बनाते हैं। कैसे? जैसे R O और यहां पर H O R, H O R, H O और क्या होता है? ये रहा अल्कोहल, सामान्य एक अल्कोहल ले लिया हमने। तो अल्कोहल और अल्कोहल इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का भी निर्माण हो जाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन सिंपल तो ये बॉन्ड है ही इसके अंदर, लेकिन इन हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण सामान्यतः इनके जो क्वथनांक होते हैं गलनांक होते हैं वो थोड़े उच्च होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है जैसे जैसे इनके अणुभार बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर बात करें कि साथ ही साथ अगर इनमें शाखाएं बढ़ती चली जाएं, मान लीजिए यहां पर ये
अल्कोहल एल्किल समूह है, इसमें से एक और शाखाएं निकलने लगे। तब अगर ये शाखित अल्कोहल है तो प्रयोगों द्वारा ऐसा प्राप्त हुआ कि इनके क्वथनांक शाखाओं के बढ़ने पर कम होते चले जाते हैं। अगला गुणधर्म है, ऐसे ही सेम फिनॉल्स में भी होता है, तो यहां पर फिनॉल्स का भी देख लेते हैं। ये रहा और ये O और H। अगला O, यहां पर इस तरह से, और ये H O और ये। तो फिनॉल्स के केस में भी कुछ हद तक ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जिस कारण से इनका भी थोड़ा जो गलनांक और क्वथनांक है वो थोड़े उच्च रहते हैं। अगला है ब्लेटा। ब्लेटा अल्कोहल्स ऑफ फिनॉल्स, हमने देखा इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जो ऐसे पदार्थ जो पानी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, वो सामान्यतः पानी में घुलनशील होते हैं, अर्थात अल्कोहल्स हैं और फिनॉल्स हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन जब इनका अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी ब्लेता कम होती चली जाती है। अगला गुणधर्म है अम्लीयता। यह हालांकि रासायनिक गुणधर्म है, फिर भी यहां पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अम्लीयता, बात करें अगर अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल क्या होते हैं, पानी से मतलब जल से थोड़े कम अम्लीय होते हैं। जो अल्कोहल हैं ROH हैं, ये पानी की तुलना में मतलब HOH इसकी तुलना में कम अम्लीय होते हैं, ये ज्यादा अम्लीय होता है। और बात करें इसकी तो ये कम अम्लीय होता है। तो यहां पर जो अल्कोहल हैं वो इसकी तुलना में पानी की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। और अगर बात करें फिनॉल्स की, तो फिनॉल फिनॉल ये अल्कोहलों की तुलना में कुछ हद तक ज्यादा अम्लीय होते हैं। आज हमने इस वीडियो में अल्कोहल्स और फिनॉल्स में से फिनॉल के बनाने की विधियां और इनके कुछ भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।